मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लोकसभा चुनाव 2024 में 13 मई को शत प्रतिशत मतदान के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा के नेतृत्व में शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार शाम भव्य मतदाता जागरूकता मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें SP धर्मराज मीणा सहित जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मशाल प्रज्वलित कर रैली का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के जरिए मतदाताओं को यह संदेश दिया गया है कि मतदान सबका अधिकार है। जहां जहां मशाल रैली पहुंची, वहां मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कलेक्टर ने कहा कि 13 मई को सभी मतदाता घरों से निकले और शत प्रतिशत मतदान करें। इस दौरान मतदान करने और उसकी गोपनीयता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। मशाल रैली में शिक्षा विभाग, जनजाति विभाग, स्थानीय निकाय, महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी सहायिकाएं सहित उक्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं शामिल हुए। रैली SDM कार्यालय से शुरू हुई, जो कि बस स्टैंड श्री कृष्ण तिराहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा, राधा वल्लभ मार्केट होते हुए वापस SDM कार्यालय पहुंची, जहाँ रैली का समापन किया गया। इस दौरान मतदान को लेकर नारेबाजी भी की गई। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 13 तारीख को जो हमारे खरगोन में मतदान होने जा रहा है, उसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज मशाल रैली का आयोजन किया गया है और सभी लोग जो है अभी संध्या में मशाल रैली करके सभी को जागरूक करने का कार्य करेंगे। आपके माध्यम से मैं पूरे जिले के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 13 मई को अभी अगले 3 दिन बाद जो है मतदान हमारे यहाँ होने जा रहा है। अपने निकटतम मतदान केंद्र पे जहाँ आपका नाम है वहाँ जाएं और मतदान अवश्य करें। कितनी खुशी हो रही सर, ये सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है और सभी लोग उत्साहित हैं। मशाल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।